हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब फिजिकल ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का भौतिक अर्थ। देखो तो रिजल्ट एक बार अपन इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत प्रतिरोध। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का भौतिक अर्थ क्या होता है? भौतिक अर्थ कैसे कि एक कंडक्टर है अपने पास, और उस कंडक्टर को अपन ने बैटरी से जोड़ दिया। मान लो एक कंडक्टर है, ये अपने पास एक कंडक्टर है, और इसको इधर इधर तार के थ्रू अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो होगा क्या कि इस जैसे ही अपन बैटरी को स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। लेकिन अपन क्या देखते हैं कि जब करंट फ्लो होती है तो इसके करंट के फ्लो में करंट का जो पाथ होता है उसमें अपोज होता है, उसके अंदर ओबिस्टकल आते हैं। और अपन ने देखा जब तार की लंबाई ज़्यादा होती है तो ये ओबिस्टकल ज़्यादा होते हैं। अपन ने पहले पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो तार की कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो इसमें करंट तो फ्लो होगी। अपन ने देखा कि जो कंडक्टर होता है उसमें जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट फ्लो भी बढ़ता जाता है, और यही चीज़ ओम्स लॉ को डिनोट करता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझने के लिए अपन एक कंडक्टर बनाते हैं, है ना, और उस कंडक्टर को अपन एक बार बैटरी से कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, और ये V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। अब भाई V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी तो इसके ऊपर इधर प्लस आ गए और इधर माइनस पोलरिटी आ गई। तो अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है तो माइनस माइनस रिपेल से इधर भागेगा, और अपन ने पढ़ा था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर भागते हैं। लेकिन क्या इस पूरे कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रहता तो ये इधर जैसे ही भागता तो जो अपनी करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर भागता है तो यहाँ पर एक कर्नल इलेक्ट्रॉन होता है या कर्नल एटम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और ये सभी इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेंगे? क्योंकि भाई सभी इलेक्ट्रॉन है तो सभी इधर दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और इस नेगेटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा। अब क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये सोचो इससे आके कोलाइड करता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कोलिजन होता है। क्या होता है? इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड थोड़ी करेगा, आपको तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर बहुत अधिक संख्या में मुक्त आवेश वाहक होते हैं। और जैसे ही अपन वोल्टेज लगाएंगे तो बैटरी क्या करती है? बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बैटरी क्या करती है? इन इलेक्ट्रॉनों को ताकत देती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से धक्का देती है बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन इधर से भागेंगे, और भागेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे। तो जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जल्दी पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। तो इनके जो कोलिजन हो रहा है ये इस इलेक्ट्रॉन फ्लो का अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अपन ने क्या पढ़ा है? द इलेक्ट्रॉन फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। तो मतलब करंट के बीच में, करंट के फ्लो के बीच में क्या आ जाएगा? ऑब्स्टकल आ जाएगा, अवरोधक आ जाएगा। तो यही जो अवरोधक होता है इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस, इसी को बोला जाता है प्रतिरोध। तो यहाँ पर अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो इसकी डेफिनेशन होगी कि धारा के मार्ग में किसी चालक का वह गुण
किसी चालक का वह गुण जो चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है या धारा के प्रवाह में अवरोधक को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर ये विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन आ गई। अब तो अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन विच which creates obstacle between the flow of current through the conductor। हाँ, मैंने यही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई ये किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये करंट फ्लो का अपोज करता है, जिसमें ये करंट फ्लो के बीच में ओबिस्टकल क्रिएट करता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का समझ में आया, और अपने को पता है ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी अपॉन आई, और यूनिट होती है ओम। ये अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर के अंदर जरूरी है कंडक्टर हो, मान ले कोई दूसरी चीज़ हो पर जिसमें करंट का फ्लो होता हो, भाई कंडक्टर में तो बहुत सी चीज़ें आ सकती है जिसमें करंट फ्लो करती हो, लेकिन हर एक कंडक्टर में ओम के लॉ फॉलो नहीं होता। तो इसको अपन दो भागों में बांट देते हैं कि भाई एक तो ऐसे कंडक्टर है या ऐसे मैटर है जो करंट के लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब दोज कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ इज नॉन एज ओमिक रेजिस्टेंस। और एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते, तो दोज कंडक्टर विच डजंट ओबे द ओम्स लॉ इज नॉन एज अन ओमिक या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को दो भागों में बांट देते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। तो यहाँ पर बात करते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को अपन ने दो भागों में बांट दिया। ठीक है बेटा, एक तो हो गया ओमिक और एक हो गया नॉन ओमिक। ठीक, एक हो गया ओमिक और दूसरा हो गया नॉन ओमिक। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, दोज कंडक्टर या मटेरियल, दोज मैटर विच ओबे द ओम्स लॉ। यार ओम्स लॉ का ओबे करता मतलब सीधी लैंग्वेज में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सीधा बात है कि ओमिक वाले क्या होते हैं, जहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो, तो नॉन ओमिक वाले क्या होंगे, जहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना हो, V इज
नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि ओमिक में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे अपन किसी कंडक्टर के टर्मिनल पर, कंडक्टर के एंड पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इधर से ताकत बढ़ रही है, मान रहे हैं कोलिजन आ रहा है, मान रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की पावर बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि बैटरी अपन ने वोल्टेज ज़्यादा लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जोर से दूसरे एंड पर भागेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूसरे एंड पर जाएंगे उतनी ही करंट बढ़ेगी। तो देखो क्या होगा, इसके अंदर अपन अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसमें होता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ऐसे ही जो मटेरियल होते हैं वो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं, तो V और I, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन इसमें क्या बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और करंट भी बढ़ती जाएगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है, ये V समानुपाती है I का, और इसका जो ग्राफ आता है ये लीनियर ग्राफ होता है, इसे अपन हिंदी में रेखिक ग्राफ भी बोलते हैं। बोलो क्लियर है? ऐसे मटेरियल होते हैं ओमिक, तो इनके एग्जांपल भी तो होते होंगे बेटा, होते हैं पक्का। तो देखो एग्जांपल में इसमें सबसे ईजी चीज़ आती है मेटल। अब मेटल में कोई सा भी हो सकता है, चांदी हो सकती है, सोना हो सकता है, कुछ भी है ना, Ag, Au, कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हो गई क्या, ओमिक रेजिस्टेंस। तो अब नॉन ओमिक क्या होता होगा, तो ऐसे रेजिस्टेंस या ऐसे मटेरियल जिसमें ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब दोज मटेरियल या मैटर विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, कि भाई ऐसे मटेरियल और मैटर जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो इसको अगर मैं बना दूँ डायग्राम, इसके देखो इसके एग्जांपल अलग अलग है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है ना वो है टॉर्च बल्ब। अब टॉर्च बल्ब में कैसे, टॉर्च के बल्ब की एक खास बात होती है, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ती जाएगी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं अब टेम्परेचर बढ़ता है और हीट बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ता है ना तो बेटा क्या, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना तो इसका क्या होता है कि एक टाइम तक तो जैसे जैसे अपन ने करंट बढ़ाते गए वोल्टेज बढ़ता गया, लेकिन यहाँ पर जाते जाते इस लेवल पर जाते जाते इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो अब ये एक सेचुरेशन पॉइंट में पहुँचने लग जाता है। तो ये एक टॉर्च बल्ब का डायग्राम होता है जिसमें ये वी वोल्टेज है, ये करंट है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, यहाँ तक ये ओम के लॉ को फॉलो करता है कि जब तक कि बल्ब गर्म ना हो जाता, जब तक कि बल्ब का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो जाता, और जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब उनके बीच का कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह दूसरे एंड पर नहीं जा पाएंगे, और जब दूसरे एंड पर नहीं जा पाएंगे चाहे कितना ही मैं ताकत लगा दूँ, इधर से कितनी ताकत लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ऐसे झमाझम 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 झमाझम, तो ये दूसरी जगह तक जा ही नहीं पाएंगे, और जब भाई इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा, दूसरे एंड पर जा ही नहीं पाएगा, तो करंट फ्लो करेगा कैसे, तो करंट दिखाएगा तो सही लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं दिखाएगा जितनी अपने को मेटल में मिलती है। मेटल में क्या होता है, जैसी करंट जैसी वोल्टेज लगा इलेक्ट्रॉन उधर, और वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन तेजी से उधर, और इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज ज़्यादा लगाया तो इलेक्ट्रॉन तेजी से उधर। तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं इधर से ज़्यादा दूसरे एंड पर पहुँचते जाते हैं तो करंट का फ्लो भी बढ़ता जाता है, तभी अपन बोलते हैं कि ये जो कंडक्टर होता है जो मेटल होता है वो ओम के लॉ को फॉलो करता है, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन टॉर्च बल्ब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका V I, और दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है इसका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बैटरी देखिए, बैटरी घरों में जो बैटरी होती है उसके अंदर अपन पता हो तो डिस्टिल वाटर डालते हैं और उसके अंदर H2SO4 का सॉल्यूशन होता है,
और वो जो सॉल्यूशन होता ना उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? देखो सोचो, तो तुम्हारे पास अगर H2SO4 है और अगर ये टूटेगा तो 2H+ SO4-2 इसी में टूटेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये तो काम कर गया किसका? पॉजिटिव चार्ज का और पॉजिटिव आयंस, और ये काम कर गया नेगेटिव आयंस का। देखो बेटा ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हो सकता है तुम केमिस्ट्री में पढ़ लो इसको। तो अब इसमें जो आयंस होंगे वो क्रिएट होंगे। अब आयन पहले तो भाई टूटेंगे, पहले अब तुम ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही तुमने वोल्टेज लगाया आयन टूटने लग गए, ऐसा तो नहीं होगा। पहले तुम जैसे ही वोल्टेज लगाओगे तो आयन टूटेंगे, आयन टूटेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे। अब यहाँ से तुमने वोल्टेज लगाया, आयन टूट गए, अब आयन क्या करेंगे? अब जैसे और वोल्टेज लगाओगे तो आयन फ्लो होंगे, और आयन जब फ्लो होंगे तो आयन चार्ज लेके जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की पोटली उनके हाथ में रहेगी और वो दूसरी जगह भागेंगे तो करंट का फ्लो होगा, और इसमें करंट जैसे ही आयन बन जाते हैं करंट एकदम से बढ़ती है, धीरे 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 फिर आयन पूरे टूट जाते हैं, तो फिर करंट भी सेचुरेटेड लेवल पे चली जाती है। क्या इसमें ओम का लॉ का फॉलो होता है? नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी ओम का लॉ फॉलो नहीं करता, तो ये भी नॉन ओमिक में आता है। ठीक है, तीसरा इसमें अपन तीसरे की बात करेंगे, तो ये होता है अपना तीसरा पदार्थ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डायोड। ये रहता है सेमीकंडक्टर डायोड, जिसे हिंदी में बोले तो अर्धचालक डायोड। देखो ये जो चैप्टर है अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे किसके अंदर? 16वें चैप्टर के अंदर इसका डिस्कशन अपन करेंगे पूरे का पूरे का, इस अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर का पूरा डिस्कशन अपन 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना समझना है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा एक मटेरियल होता है जो 0 केल्विन से नीचे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और 0 केल्विन से ऊपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ सेमीकंडक्टर डायोड इज ए अनदर काइंड ऑफ मैटर which behaves like a conductor above the 0 Kelvin and behaves like a insulator below the 0 Kelvin। तो ये कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता और कभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता। कभी का वर्ड मतलब क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड है, ताप से निर्भर, कि 0 केल्विन है, 0 केल्विन से ऊपर चालक की तरह, 0 केल्विन से नीचे कुचालक की तरह बिहेव करता। अब तुम बोलोगे सर ये चालक और कुचालक कैसे? भाई अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा चालक क्या होते हैं, जिनमें फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल रहते हैं। मतलब चालक कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल, चालक वो चीज़ होती है जिसमें मुक्त आवेश वाहक उपस्थित होते हैं, तो और कुचालक जिसमें मुक्त आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता है, इंसुलेटर जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर क्या होगा भाई? इसका मतलब एक ये अगर ऐसा एक मटेरियल है, मान लो ये सेमीकंडक्टर है, तो इसमें 0 केल्विन से नीचे नीचे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बोल। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बोलो भाई जा अपनी चार्ज लेके जा, तो क्या जा पाएगा? क्योंकि ये जाएगा तो ये साथ जाएगा, तो ये इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये काम करेगा एज ए इंसुलेटर की। अब तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनको जैसी एनर्जी मिली तो इनका बॉन्ड टूट गया, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है टूटा। अब सोचो अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 2, और ऐसे 2 टूटेंगे तो 4 टूटेंगे तो 8, ऐसे मल्टीपल 2s के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब बने तो अब ये जो चीज़ है ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी? कंडक्टर की तरह। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन से ऊपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और 0 केल्विन से नीचे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? चलो तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो भाई जो सेमीकंडक्टर है वो फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस, ये आई इसमें फॉरवर्ड बायस में करंट बहती है मिली एम्पियर में और रिवर्स बायस में करंट बहती है माइक्रो एम्पियर में। अब देखो फोर्ड बायस में क्या होता है, धीरे धीरे करंट बढ़ती जाती है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट एक जगह आके अटके
जाती है, फिर करंट नहीं बहती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच की तरह कार्य करता है और रिवर्स बायस में ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। ये यहाँ तक हो गया अपना ओमिक और नॉन ओमिक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें यह करंट फ्लो का अपोज करता है, यह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो R बराबर V अपॉन I। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जैसे ही अपन वोल्टेज लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिससे कम से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच पाते हैं और जो कोलिजन होता है वही चीज़ क्या करता है, ऑब्स्टकल होता है करंट के फ्लो में, और उसी चीज़ को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लेकिन बाद में लेटर ऑन डिस्कस देखा गया कि भाई ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं और एक ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक रेजिस्टेंस बोला गया और जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोला गया। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसे जैसे बैटरी वोल्टेज बढ़ाता हूँ, मतलब जैसे जैसे कंडक्टर के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूँ उसमें करंट फ्लो की वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए, तो वो चीज़ होती है ओमिक। और इसके एग्जांपल क्या है, ऑल द मेटल्स, सभी मेटल जैसे सोना चांदी तांबा सब जो भी मेटल है, जो भी धातु है वो सभी क्या होती है, ओमिक होती है। अब बात करते हैं नॉन ओमिक की। तो नॉन ओमिक क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें ओम के लॉ को फॉलो नहीं होता, ठीक है। जैसे टॉर्च बल्ब हो गया, नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट में भी नहीं होता और डायोड में भी नहीं होता। और ये सारा का सारा हो गया अपना आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फिजिकल ओवरव्यू या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके बेटा, थैंक यू।